राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा रांची में हैं, जहां होटल चाणक्य बीएनआर में वो झारखंड कांग्रेस के सांसद विधायक नेताओं के साथ बैठक उन्होंने की है। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन पर इस दौरान चर्चा की गई, लेकिन इस बैठक से कांग्रेस के कई विधायक नदारद रहे। ये एक चौंकाने वाली खबर, बड़ी खबर, मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, विधायक ममता देवी और अंबा प्रसाद बैठक में नहीं पहुंचे हैं। कई सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन या फिर हो सकता है कि मैं एक संयोग हो, लेकिन मीडिया में तो ये आ गया है, चर्चा में तो आ गया है, खबर इस पर होगी, बातचीत पर होगी। इससे पहले झारखंड कांग्रेस के विधायक और सांसदों की बैठक पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई नेता मौजूद रहे, लेकिन यशवंत सिन्हा के इस बैठक से कुछ विधायक दूर रहे या नहीं आ पाए। मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, ममता देवी, अंबा प्रसाद बैठक में नहीं पहुंचे, तो इसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठना लाजमी है, लेकिन हो सकता है कि एक सहयोग है। और राकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। राकेश, बैठक हुई, बैठक में कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन कुछ विधायक नदारद रहे। सवाल बनता है, हो सकता है कि सहयोग हो और निजी कारणों की वजह से ना पहुंच पाए, लेकिन फिर भी जानकारी चाहेंगे आपसे इस मामले से जुड़ी हुई। बिल्कुल, देखिए यशवंत सिन्हा के साथ कांग्रेस के तमाम विधायक सांसदों की बैठक कॉल की गई थी और बैठक हुई भी, लेकिन उस बैठक की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कई विधायक जो हैं उस बैठक में नहीं पहुंचे। मसलन आप अंबा प्रसाद की बात करें तो उनकी मौजूदगी नहीं थी इस बैठक में। ममता देवी जो कि रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक हैं, वो नहीं पहुँच पाई इस बैठक में। इसके अलावा कांग्रेस कोटे के दो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो है वो इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। जो वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, उनकी भी मौजूदगी नहीं रही। हालांकि किन कारणों से ये बैठक में नहीं पहुंचे, क्या पार्टी को इसकी जानकारी पहले दी गई थी, निजी कारण भी हो सकते हैं बैठक में न पहुंचने को लेकर, लेकिन चूंकि कांग्रेस यहाँ यशवंत सिन्हा को एक तरीके से आप कह सकते हैं विपक्ष के साझा उम्मीदवार के साथ साथ कांग्रेस लगातार लीड भी कर रही है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस के विधायक ही यशवंत सिन्हा के साथ नजर नहीं आते हैं बैठक में, तो कई सवाल उठने स्वाभाविक है पंकज। लेकिन वजह क्या है इस ये जानकारी अभी खुलकर सामने नहीं आ पाई है। क्या कुछ निजी कारणों की वजह से ये नहीं आ पाए, क्या अपने विधानसभा क्षेत्र में थे इस वजह से नहीं आ पाए, तो ये बातें निकल कर नहीं आई है। लेकिन चूंकि पहले से ही यह कार्यक्रम शेड्यूल था, पहले से ही कांग्रेस के तमाम विधायकों को, सांसदों को ये जानकारी दी गई थी कि आज के दिन यशवंत सिन्हा पहुंचने वाले हैं, यशवंत सिन्हा के साथ कांग्रेस के विधायक और सांसदों की बैठक होनी है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस के कुछ विधायक नहीं पहुंचते हैं, कांग्रेस कोटे के मंत्री अगर नहीं पहुंचते हैं, तो सवाल स्वाभाविक बनता है पंकज। बिल्कुल राकेश, तो इस बैठक के बाद अब आगे की क्या प्रक्रिया होने जा रही है, यानी कि यशवंत सिन्हा क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे जैसे कि जानकारी आ रही थी पहले, अब क्या कुछ चल रहा वहां पे? नहीं, मुलाकात हो रही है, मैं आपको जानकारी दे दूं पंकज की यशवंत सिन्हा की मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है और तकरीबन आधा घंटा पहले ही वो मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ जो कांग्रेस के प्रभारी है अविनाश पांडे वो भी मौजूद है, जो प्रदेश अध्यक्ष है राज ठाकुर उनकी भी मौजूदगी है, इसके अलावे जो कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम वो भी उस बैठक में मौजूद हैं, RJD के जो कोटे से जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो बैठक जो है मुख्यमंत्री के साथ शुरू हो चुकी है और तकरीबन 1:30 बजे के आसपास यशवंत सिन्हा दोबारा चाणक्य BNR पहुंचेंगे और यहां वो मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया के सवालों का वो जवाब देंगे। लगभग आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुद यशवंत सिन्हा जो है वो एड्रेस करने का काम करेंगे पंकज। राकेश, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा यशवंत सिन्हा तो होंगे, क्या प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे उस दौरान उनके साथ मौजूद, या यशवंत सिन्हा का अपना निजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा अलग से एक उम्मीदवार के तौर पे?
नहीं बिल्कुल, देखिए मंच पर यशवंत सिन्हा रहेंगे, वो प्रेस के सवालों का जवाब देंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे और उस मंच पर जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद होंगे, जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम उनकी भी मौजूदगी होगी, जो प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर वो भी मौजूद होंगे, लेकिन मीडिया से जो इंटरेक्शन होगा सीधे तौर पर वो यशवंत सिन्हा का होगा और कई सवालों के साथ यशवंत सिन्हा जो हैं वो मीडिया के बीच जाएंगे। कल जब एयरपोर्ट पहुंचे थे तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी पंकज, तो उन्होंने आज का वक्त दिया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं जिस दिन कांग्रेस के लोगों के साथ जो बैठक होगी उसके बाद मीडिया से मैं खुलकर अपनी बात रखूंगा। तो अब देखना होगा कि यशवंत सिन्हा किस तरीके से बातें रखते हैं और लगातार आप देख रहे होंगे कि टीवी इंटरव्यूज में या फिर अखबारों में लगातार यशवंत सिन्हा जो है इंटरव्यू दे रहे हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर। तो आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये देखना होगा कि यशवंत सिन्हा किन बातों को रखते हैं और जिस तरीके से चले आगे बढ़ रही हैं। तो आप नजर बनाए रहे और आएंगे आपके पास एक बार फिर से, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, तमाम अपडेट्स आपने दी, बताया कि कैसे मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है यशवंत सिन्हा की, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।